हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे नाश्ते में। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया था आलू के पराठे, थोड़ा सा मतलब काफ़ी टाइम पहले खाए थे, बहुत ज़्यादा गैप हो गया था और गैप भी ज़रूरी होता है कुछ हैवी फूड में। और ये ब्रेकफास्ट है, मतलब हम जो पराठे बनाते हैं थोड़े बड़े साइज़ के बनाते हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बता ना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। आई थिंक कि कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया। ये दही और ये मम्मी जी ने चटनी बना रखी है हरे धनिया की, और उसमें आम भी डाल रखा है, कच्चा आम डाल के बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनाई है, और थोड़ी सी स्पाइसी चटनी है ये चाय। और अगर आप ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा हो, उसके ऊपर थोड़ा बहुत दही बटर हो और उसके साथ में हरी चटनी हो, साथ में चाय हो, वाओ मज़ा आ जाता है। ये अभी ना पापा जी को मैं नाश्ता दे चुकी हूँ, अभी मम्मी जी नाश्ता करने जा रही है। मम्मी जी टेस्ट करके बताएगी कि उन्हें आलू का पराठा कैसा लगा। और एक्चुअली हम थोड़ा सा स्पाइसी फूड खाते हैं, और इसमें मतलब मैं सिंगल पराठा नहीं बनाती हूँ, डबल रोटी बना के उसमें बीच में भर के बनाती हूँ, क्योंकि उसमें हम अच्छे से भर लेते हैं। देखिए मम्मी जी मलाई रख रही है पराठे के ऊपर, मम्मी जी मलाई खाती है, उन्हें अच्छी लगती है। एक्चुअली मैं मलाई नहीं खाती हूँ, मैं बटर लगाती हूँ, मुझे माखन ज़्यादा अच्छा लगता है आलू के पराठे के ऊपर। ये मम्मी जी अपना नाश्ता लेके जा रही है अभी। अक्सर मॉर्निंग टाइम में हम भजन भी चला देते हैं, कि सुबह के टाइम भजन भी घर में चलने चाहिए, उससे घर में एक अच्छा सा पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छा माहौल होता है, और मतलब माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। आप सुबह उठ के भजन चला के आपको जो भी काम करना होता है वो काम कर लीजिए, तो एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है और घर की जो नेगेटिविटी होती है थोड़ा बहुत होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए मेरा पराठा कैसे फूल रहा है, और मतलब पराठे भी ऐसे फूल रहे हैं जैसे रोटी फूलती हो, कितना मतलब देखने से इतना अच्छा लग रहा है। ये मम्मी जी पराठे को देख के कह रहे हैं कि मुरथल का पराठा भी फेल कर दिया है। और मतलब सच बताओ तो मैंने खाया था, मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे जो पराठे हैं वो मुझे अपने घर के बनाए हुए ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाहर के भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगते जितने मुझे अपने घर के लगते। चलो आइए मम्मी जी से पूछते हैं कि उन्हें पराठा कैसा लगा, क्योंकि मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया है। और मेरे पूछने के बाद मुझे मम्मी जी ने बताया कि उन्हें पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। अनमोल, व्हाई आर यू सो सैड टुडे? आज अनमोल के बाल कट गए इसलिए बहुत ज़्यादा सैड है। इसने सर पे दो कटोरे रखवा रखे थे, कटोरा कटिंग करवा के दो लेयर करा रखी थी, इसलिए बहुत दुखी है। आज इसके बाल कटवा दिए। चल दिखा दे अपने बाल, अगर घर पे ट्रिमर से करते तो तो गंजे ही हो जाते। तो बिल्कुल वो बड़े रहा था हैं, वो बड़े रहा था तो तो बालों की तो तो बालों की वजह से दुखी है हैं। अरे हैं, देखिए उनको कहना है मोनो में जी, अगर मैं गंजा हो जाता सबड़े तो मैं गंजे करवा देते, कटोरे कटिंग करो। और ये सावन भी हमारे व्लॉग में आ गए हैं। प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।